नमस्कार, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे पटना हाईकोर्ट के उस फैसले के बारे में जिसमें कि सुब्रत राय सहारा को गिरफ्तार करने की बात कही गई थी, उसे जो है सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है, यानी कि उस पर जो है रोक लगा दिया है। पटना हाईकोर्ट में सहारा इंडिया परिवार के चल रहे मामले को लेकर कोर्ट ने गिरफ्तारी का वारंट जारी किया था। सहारा की गिरफ्तारी पर अब रोक लगा दी गई है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रत राय सहारा की गिरफ्तारी पर रोक लगाया है। आपको बता दें कि पिछले दो दिनों से पटना हाई कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई हो रही थी, जिसमें सुब्रत राय को कोर्ट में पेश होने को कहा गया था, यानी कि सशरीर जो है उन्हें कोर्ट में पेश होने को कहा गया था। लेकिन पटना हाई कोर्ट के बार बार बुलाने के बाद सुब्रत राय कोर्ट में हाजिर नहीं हो पाए। इसके बाद कोर्ट ने गिरफ्तार करने का आदेश जारी कर दिया था। बता दें कि पटना हाई कोर्ट ने बिहार, उत्तर प्रदेश के डीजीपी और दिल्ली के कमिश्नर को सुब्रत राय को गिरफ्तार करने का आदेश जारी किया था। लेकिन अब जो बात कही जा रही है उसमें यह बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने सहारा इंडिया के प्रमुख सुब्रत राय सहारा की गिरफ्तारी वारंट पर रोक लगा दिया है। अब इस मसले पर 19 मई को सुनवाई होगी। पटना हाईकोर्ट के एक आदेश के बाद सुब्रत राय ने अपनी अपील में कहा कि विवादित बकायों के भुगतान के लिए अग्रिम जमानत की याचिका का इस्तेमाल करना संभव नहीं है। सहारा ने यह भी बताया कि पटना हाईकोर्ट के एकल पीठ ने सीआरपीसी की धारा 338 की गलत विवेचना की है। पटना हाईकोर्ट में दायर इस मामले में प्रमोद कुमार सैनी की याचिका के संबंध में यह सुनवाई हुई थी, जिसमें दो निजी कंपनियों के मैनेजर ने अग्रिम जमानत की मांग की थी। इस मसले में पटना उच्चतम न्यायालय ने आदेश देकर सहारा के जमाकर्ताओं को जोड़ा है। इधर सुप्रीम कोर्ट ने इस मसले पर गिरफ्तारी का वारंट पर रोक लगा दिया है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले पर सुब्रत राय के वकील कपिल सिब्बल हैं, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि सुब्रत राय सहारा को मामले में घसीटा जा रहा है। इस दौरान जस्टिस खानविलकर ने यह जानना चाहा कि क्या सहारा श्री अग्रिम जमानत के लिए गए थे। इस पर कपिल सिब्बल ने कहा कि हम इस मसले में किसी प्रकार से नहीं जुड़े हुए थे। इतना सुनते ही उच्चतम न्यायालय ने सुब्रत राय को गिरफ्तारी व सशरीर उपस्थिति पर अंतरिम रोक आदेश पारित कर दिया। शुक्रवार को जब सुब्रत राय कोर्ट में हाजिर नहीं हुए तो कोर्ट ने नाराज होकर गिरफ्तार वारंट जारी किया था। पटना हाईकोर्ट ने बिहार, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के डीजीपी, यानी कि कह लें कि बिहार और उत्तर प्रदेश के डीजीपी और दिल्ली के कमिश्नर को सुब्रत राय को गिरफ्तार करने का आदेश जारी किया गया था। साथ ही साथ उस समय यानी कि पटना हाईकोर्ट ने 17 मई को अगली सुनवाई की बात की थी, लेकिन बाद में यह डेट जो है 19 मई में बदल गई। आपको बता दें कि सुब्रत राय सहारा के ऊपर लाखों रुपये के पैसे रखने का जुर्म लगा है। इतना ही नहीं, सुब्रत राय सहारा के ऊपर देश के अलग अलग राज्यों में मुकदमा चल रहा है। सुब्रत राय की कंपनी सहारा के ऊपर गलत तरीके से पैसा जमा करने और निवेशकों का पैसा नहीं लौटाने का आरोप लगा है। आपको बता दें कि पटना हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने साफ साफ कहा कि इस कंपनी पर भरोसा कर बिहार की गरीब जनता ने अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा जमा किया था ताकि उनका भविष्य ठीक हो सके, लेकिन कंपनी उनका पैसा लौटाने से मना कर रही है। आपको बता दें कि पटना हाईकोर्ट में 2000 से अधिक निवेशकों ने कंपनी के खिलाफ में केस दर्ज करवाया है। इधर अगर हम बात कर लें पटना हाईकोर्ट की, इधर 2000 से अधिक लोगों ने, निवेशकों ने जो है केस दर्ज किया है, तो उधर सुब्रत राय सहारा की तरफ से यह कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट में जो उन्होंने दलील दी है, जिसमें उन्होंने कहा कि पटना हाई कोर्ट की तरफ से जो है लोगों को बुलाकर और इस मामले में केस दर्ज करवाया गया है। अब इस पूरे मामले को लेकर 19 मई को सुनवाई होना है। ऐसे में देखना है कि गरीबों का पैसा, जिन्होंने अपनी मेहनत की कमाई का एक बड़ा हिस्सा अपने भविष्य को ध्यान में रखते हुए सहारा कंपनी में जमा किया था, उनका पैसा कैसे मिल पाता है। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसे ही खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।